तो ये देखो, ये नहीं नहीं कुछ नहीं, ये पैसा पकड़ो, 5000 है ये, ठीक है? तुम्हें जैसे भी क्या, अब कहाँ जाओगी बताओ, हो जाएगा इससे कंप्लीट या कुछ और चाहिए? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूँ आपके अपने सिमरन, और आज जो वीडियो, मैं तो गई थी एक लड़की प्रैंक करने, बट कुछ और ही हो गया, बहुत इमोशनल हो गई ये वीडियो। तो मैं आपको बोलूँगी वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा वीडियो में क्या हुआ है। और मैं आपसे मिलूँगी वीडियो के एंड में, बट उससे पहले जाके इंस्टा फेसबुक फॉलो कर लो, यूज़र नेम आ रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी जाके फॉलो कर लो और वीडियो के अंत तक देखना। मैं आपसे मिलूँगी वीडियो के एंड में। अरे सॉरी, एक मिनट को उठो यहाँ से। व्हाट, क्यों यहाँ क्यों बैठी हो? पार्क के कोई भी बैठ सकता है। पार्क के कोई भी बैठ सकता है क्या? तुमने यहाँ के पैसे दिए हैं? किस चीज़ के? रिजर्वेशन के। रिजर्वेशन? रिजर्वेशन यहाँ पे होती है? रिजर्वेशन पार्क यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। मैं करवा के आई हूँ। किस चीज़ की रिजर्वेशन? बैठने की। बैठने की रिजर्वेशन कौन करा? पहले बताओ, उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। नहीं, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, यहाँ बैठ जाइए। पागल पागल हो गया? किस, मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए, ये मेरी जगह, मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ मुझे भी दिख रहा है तुम बैठी हो, अंधी तो हूँ नहीं मैं, लेकिन ये मेरी जगह है। नहीं मैं बैठी हूँ, पापा बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? एक बार मैं, या मैं पुलिस बुलवाऊँ अंदर? ठीक तो हो, मेरी जगह है, मैं बैठी हूँ, आप पाइप पे बैठ जाइए। यार पहले से यहाँ से उठ लो, नहीं तो मैं अभी बता दूंगी। नहीं उठ रही। क्यों नहीं उठ रहे? उठो ना यार, मेरी जगह बैठी हो तुम। कैसी जगह? मेरी जगह ये पार्क है, कहीं पे बैठ जाता है कोई भी ऐसा कुछ। क्या मुझे पानी मिल सकता है? पहले सुनो, उठो यहाँ से चलो। अरे मैं बैठी हूँ यहाँ पे। चलो तुम मेरे साथ बैठना, चलो। कहाँ बैठना है? मेरे को यहीं बैठना है। आप भी यहाँ बैठ जाइए, फिर मैं तुम्हारी गोद में बैठूंगी, चलो। एक्सक्यूज मी, जब तुम मेरी जगह पे बैठोगी मैं तो तुम्हारी गोद में बैठ सकती हूँ। जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं, मुझे बस थोड़े पैसे की जरूरत है। नहीं है मेरे पास, मुझे बस थोड़ा चाहिए, मेरे को अगर थोड़े बहुत तुम चलेगा। नहीं है मेरे पास, मैंने आपसे बोला ना। प्लीज देख लो ना, आपके पास हो नहीं है मेरे पास। एक बार क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बस मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे पैसे चाहिए, आप दे दो। मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है तो दे दो ना। नहीं है मेरे पास, तभी तो बोला आप दे दो। मेरे पास कहाँ है यार, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं है मेरे पास, इसको दे दो। एक मिनट रुको तो सही। हद हो गई। एक्सक्यूज मी, क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या? जी क्या हुआ बताओ। मेरे घर वाले बहुत परेशान करते थे, तो मैं वहाँ से आ गई हूँ, ससुराल से अपने, और अपने घर से भी आ गई हूँ। आ क्यों गई मतलब? बहुत प्रॉब्लम में थी, मेरे हस्बैंड को 2 साल हो गए हैं, क्या एक्सीडेंट में गुजरे हुए, और क्या बोलते, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। परेशान क्यों हुआ ये तो बताओ, मतलब कि हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 साल हो गए, तो अब परेशान क्यों हुई ये बताओ, कुछ क्या दिक्कत है, क्या हुआ? मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे घर वाले ना जो थोड़ा सा मेरे को परेशान, माने मैं मेरे पे थोड़ा सा वो करते थे, परेशान करते थे मुझे, ये करो वो करो, जब होता नहीं पति के जाने के बाद ससुराल वाले करते ही करते हैं। ससुराल वाले करते हैं अत्याचार करते हैं, माने बहू को ये करवाओ वो करवाओ, पूरा टॉर्चर करने लग गए थे, तो मैं खुद ही निकल के वहाँ से आ गई, और फिर मैं अपनी फैमिली के पास जा नहीं सकती थी। यार ये कौन सी बात है, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें पैसा चाहिए? किस लिए चाहिए? थोड़े से पैसे चाहिए बस। किस लिए चाहिए पैसे? मुझे कुछ काम करना है, मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए, जितने उतने ही दे दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जितने उतने भी चलेगा, थोड़े बहुत होंगे थोड़े बहुत भी चलेगा। यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? देख लो ना प्लीज, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो तुमने 2 साल में कुछ अब क्यों छोड़ा, अब क्या दिक्कत अचानक इतनी? मैंने सोचा था, मेरे पति उन्होंने बोला था कि मैं करवाऊंगा शादी के बाद, मगर अब वो जब से चले गए ना तब से मेरे जो मेरे ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा मुझ पर अत्याचार करते हैं, तो वो कहते हैं सफ़ेद साड़ी पहन के सफ़ेद साड़ी पहने रहो, और कहते कहीं नहीं जाना, ना पार्टी में लेके जाते ना कहीं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं मुझ पर। कहीं जाने आने नहीं देते? कहीं भी जाने आने नहीं देते, तो इसलिए मैं चाहती हूँ इसलिए मैं कुछ करूँ, और मुझे बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने नहीं देते, रोज टॉर्चर करते मुझ पर, कुछ ना कुछ बोलते रहते कि तू मनु से अपने पति को खा गई है ये वो।
तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है यार? और कोई मम्मी अब तुम्हारे अपने घर वाले? मैं अपने घर नहीं जा सकती अगर मेरे घर वाले खुद परेशान में रहते, परेशानी में रहते हैं। देखो रो मत तुम, पहली बात तो यार ऐसे तो बहुत कम मैंने देखे आजकल के टाइम पे, तो ऐसा कोई करता नहीं है वैसे जैसे तुम बता रही हो। मगर मेरे जो ससुराल वाले बहुत ज्यादा पुराने ख्याल के, वो उन्होंने वो जब से मेरे हस्बैंड गए तब से वो मुझे इतना ज्यादा, पहले तो चलो ठीक था मगर फिर दोबारा वो उनके जाने के बाद ही एक महीने के बाद ही वो मुझे ऐसे टॉर्चर करने लगे कि पूछो मत। सफ़ेद साड़ी के अलावा मुझे और कुछ पहनने नहीं देते, ऊपर से मुझे बाहर नहीं निकलने देते। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तुम आ कैसे गई घर छोड़ के? वो सब सो रहे थे तब मैं अचानक से निकल के आ गई। बच्चा है तुम्हारा कोई? नहीं अभी मेरी बीवी नहीं है, मैं नई हालत क्यों चाहते, मैंने सोचा था कुछ करूँगी उसके बाद 3 साल बाद। अच्छा मतलब तुमने अपना जॉब वॉब का सोचा था? जी जी। मैं क्या करूँ, मुझे बस थोड़े पैसे की जरूरत है। देखो तुम परेशान मत हो प्लीज, पैसे यार। ओए अरुण इधर आइयो, रुक जा एक मिनट रुक जा, मैं आती हूँ। तेरे पास कोई पैसे हैं? तेरे पास यार पैसे चाहिए है तो दे दे, 3-4 हज़ार रुपये देख दियो जरा उसमें से। मेरे पास तो यार अभी है नहीं, मैं तेरे को ना ऑफिस जाके दे दूंगी ठीक है। कोई नहीं मैं तेरे को दे दूंगी ऑफिस जाके ठीक है, तो ये पकड़। क्या? अरे वो एक्चुअली ना मैं ना उस लड़की के साथ वीडियो शूट कर रही थी जब तुम आ गई तो उसके वो तो लड़की चली गई, पर हमें कैमरा कई बार ऑन रखना पड़ता है ना, कहीं हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है और कई बार ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं हमें। तो ये देखो ये नहीं कुछ नहीं, ये पैसा पकड़ो, 5000 है ये ठीक है। तुम्हें जैसा भी क्या, अब कहाँ जाओगी बताओ, हो जाएगा इससे कम्प्लीट या कुछ और चाहिए? वैसे तो मुझे और चाहिए था मगर कोशिश करती हूँ इतने भी करने की, अगर बाद में और पैसे मैं आपके पैसे लुटा दूंगी, बहुत जल्दी लुटा दूंगी, जब मेरा काम हो जाएगा मैं आपको लुटा दूंगी। नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारे पास हो अच्छे से तब कोई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके पैसे लुटा दूंगी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देखो आप भी एक लड़की ही हो, इस तरह से मैंने आपकी हेल्प करी पर आप इतनी मुश्किल, तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं ज़रूरी नहीं है यार, आप ऐसा मत सोचो, हर कोई एक जैसा नहीं होता, पर मैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। आपके पास फोन है? नहीं फोन नहीं मेरे पास। आपने कुछ खाया? नहीं अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बस ऐसे भटक रही हूँ जब से मैं निकली हूँ। चलो आप ना ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो, आप कुछ खा भी लेना वहाँ से, मैं आपको खिला देती हूँ ठीक है, और फिर वहाँ से आप चले जाना ठीक है। अब आप जाओगे कहाँ, घर पे जाओगे अपने एक जगह? मैं देखूंगी, मैं कहीं रूम वूम लूंगी फिर मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ करूँ। यार पहले बात तो मेरी सुनो, तुम्हें घर जाना चाहिए, ऐसे मत रहो। मेरे घर वाले, मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं देख सकती। परेशान वो जब ज़्यादा परेशान होगी, जब वो वहाँ से आ गई, वहाँ से अब तुम्हारे घर पे कोई बोले कि तुम्हारी बेटी चली गई है जुड़ गया, तो उनको कितना बुरा लगेगा। उनके पास जाओगे तो ये तो है कि आप उनके पास गई हो, ऐसे तो आप पे कोई भी ब्लेम करेगा कि भाग गई घर से छोड़ के, ऐसे कुछ भी है किसी और के साथ, कोई भी ब्लेम कर सकता है ना कोई, क्योंकि तुम्हें पता है आज के टाइम में ज़माना कैसा ही है, लड़की ऊपर वैसे ही बहुत ब्लेम हो जाते हैं, कोई भी कर देता है ऐसे। तो तुम पहले अपने घर ही जाओ, मैं तो ये बोल रही हूँ ठीक है। पैसों की जरूरत हो और हो तो मुझे बता देना, बाकी मेरे पास अभी इतने ही थे, कोई मैंने अपने कैमरामैन से लेके दिए हैं ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चल आ जाओ तुम, आ जाओ, ऐसा करते हैं पहले कुछ खा लेते फिर मैं तुम्हें बात तक छोड़ दूंगी ठीक है। आ जाओ